फ्रैंकली बताना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइप की फिल्म हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से नहीं आई थी और बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ ये फिल्म देख के रोने लगी, सो मेरे लिए तो प्राउड फीलिंग होगा क्योंकि लेडीज से फिल्म में रोती है तो मतलब सब जगह सुपर हिट होती है कहा जाता है, एंड मैं खुद भी रोती हूँ बहुत सारी फिल्में देख कर। सो येस ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी हम विवियाना मॉल में हैं और यहाँ पे सिनेपोलिस करके जो मल्टीप्लेक्स है उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं हमारी फिल्म, और काफ़ी टाइम बाद। लाइक ज़्यादातर तो किसी की मल्टीप्लेक्स में लगी नहीं है, बट रत्नाकर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मल्टीप्लेक्स में हमारे इंडस्ट्री की फिल्म, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म लगाई। एंड सो थैंक यू सो मच रत्नाकर सर, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया और इतनी अच्छी फिल्म बनाई, मिस्टर पराग पाटिल। सो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूँगी कि आप बहुत तरक्की करें और ऐसी ऐसी काफ़ी फिल्में लेके आए जो पब्लिक बहुत पसंद करे और बिल्कुल भी वल्गैरिटी ना हो उस फिल्म में। और ये तो साफ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, मस्ती है, मसाला है, सब कुछ है, सो जरूर देखिएगा। मम्मी को कैसे देखी, उन्होंने कितने स्टार दिए फिल्म को, क्या क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो ये पहली बार मल्टीप्लेक्स में देखने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा काम इस सबका है। फिल्म ने जो मैसेज देने की कोशिश की सर उसके बारे में बताइए, लोग काफी पसंद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मैसेज है हमारे फिल्म का, और क्योंकि काफ़ी ऐसे किस्से होते हैं बेटी को लेके, लेकिन बेटी को हम कलेक्टर बना सकते हैं और बेटी पायलट भी बन सकती है, बेटी पूरा देश भी चला सकती है, तो बेटी को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए, और बेटी है तो बेटे है ये भी ध्यान में रखना चाहिए, बेटी होगी तभी बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो बेटा होगा, तो बेटी को भी रखिए। पराग सर आपका कहना चाहेंगे, किस तरह से रिस्पांस मिला है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब आप एक पारिवारिक सिनेमा बनाते हैं और सभी लोगों को पसंद आता है ये, क्योंकि बहुत पारिवारिक सिनेमा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम बनते हैं, तो मैं तो खुश हूँ इस बात से लेकर, और सभी कलाकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि संघर्ष को बनाने के लिए आप लोगों ने मुझको मेरे साथ संघर्ष किया, इसके लिए धन्यवाद। काफ़ी कलाकार भी आए थे, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिला है फिल्म को? अच्छा है अभी तक तो, मान लीजिए आज फर्स्ट डे है जो फिल्म रिलीज हुई है, तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस है कि लोगों को पसंद आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम लोग एक सिनेमा दृष्टिकोण से हम लोग ने एक अलग पहल की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, तो अभी तक तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और ऊपर वाला चाहेगा तो रिस्पॉन्स आगे बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू।